आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। दोस्त, एक चीज याद करें कि जब क्रिसमस आता है तो सबसे ज्यादा कौन सी चीजें जो आपको याद होती है, कौन सी चीज आपको सबसे पहले क्लिक करती है जब आप क्रिसमस नाम सुनते हो? तो एक ट्री और साथ में सांता क्लॉज। अब ये ना बहुत कॉमन है कि स्कूलों में, किसी फंक्शंस में बच्चे जो हैं सांता क्लॉज के कपड़े पहने या कोई दूसरा व्यक्ति सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर गिफ्ट्स बांटता आपको दिखाई दे। फिल्मों में तो हमने बतेरे बार ऐसा देखा है, लेकिन कभी आपने सोचा कि ये जो सांता क्लॉज होते हैं उनके कपड़े लाल क्यों होते हैं? वो पीला, नीला, हरा, भूरा, लाल, गुलाबी भी तो कपड़े पहन सकते हैं ना, लेकिन हर वक्त लाल कपड़े में ही सांता क्लॉज क्यों रहते हैं? क्या इसके पीछे कोई मान्यता है, क्या कोई कहानी है? तो चलिए इस पर ही आज के ज्ञान ध्यान में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और ये ज्ञान ध्यान है। क्रिसमस से जुड़ी कई कहानियां हैं जो मशहूर हैं, लेकिन क्रिसमस के बारे में सुनते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? एक बूढ़ा सा आदमी जिसकी सफेद लंबी दाढ़ी हो, लाल कपड़े पहन रखे हो और सिर पर एक टोपी हो जिसकी फुंगड़ी निकली हो और वो कलर भी उसका लाल रंग हो और बच्चों को वो गिफ्ट्स बांट रहा हो, यही आता होगा मन में और उसको हम सांता क्लॉज कहते हैं फॉर श्योर। लेकिन सांता क्लॉज जो लाल कपड़े पहनते हैं उसके पीछे का कारण क्या है, उस पर आते हैं। तो क्रिसमस डे पर ना लाल रंग के कपड़ों को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। ऐसी ही एक मान्यता है जिसके अनुसार लाल रंग को खुशी और प्यार का रंग माना गया है। साथ ही रंग को जीसस क्राइस्ट के खून का प्रतीक भी माना जाता है, जो जीसस के दूसरों के प्रति प्यार को भी दर्शाता है। लाल कपड़े को लेकर इसका संबंध 4वीं शताब्दी के एक ग्रीक बिशप संत निकोलस से जोड़ा जाता है, जो लाल कपड़े पहनकर गरीबों को, खास करके बच्चों को गिफ्ट्स दिया करते थे। क्लेमेंट मार्क मूर की एक लिखी कविता में सेंट निकोलस के बारे में अच्छे से बताया गया है और वो जानकारी काफी हद तक हमारी और आपकी सांता क्लॉज की कल्पना से मिलती जुलती भी है। आगे चलकर संत निकोलस को सिंटर क्लास के नाम से जाना गया। सिंटर क्लास के बारे में कहा जाता है कि वो लाल कपड़े और बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी के साथ एक सफेद घोड़े पर बैठे रहते थे। एक किताब है द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ कलर, जिसको लिखा है एरेले एक्सटूटू ने, और वो कहती हैं कि लाल रंग का कोई निश्चित इतिहास तो नहीं है। इनके मुताबिक क्रिसमस और लाल रंग के बीच का लिंक पता करने में शायद सदियों लग जाए। आजकल बाजार कई मामलों में हमें दिशा देने का काम करता है। सांता के लाल ड्रेस के पीछे भी कुछ कंपनियों का योगदान शामिल है। कोको कोला का नाम तो हम सब जानते हैं। 1930 में कोको कोला की मार्केटिंग संभालने वाली एजेंसी डी आर्की ने अपने विज्ञापन के लिए एक आम आदमी को सांता क्लॉज की ही तरह लाल कपड़े पहने हुए दिखाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त जो कंपनी का हिस्सा थे आर्ची ली, उनको कुछ ज्यादा प्रभावशाली और जेन्यून चाहिए था। इसके लिए एक आर्टिस्ट हेडन सन ब्लोम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 1823 में क्लेमेंट मार्क मूर ने अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस शीर्षक से कविता लिखी, जिसमें सन ब्लोम ने कविता के आधार पर लाल कपड़े वाले सांता की कल्पना की और इसका इमेज बनाया। इसके बाद 1862 में पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थॉमस नास्ट ने भी सांता की एक फोटो तैयार की, लेकिन वो सन ब्लोम के सांता के बराबर चमकदार नहीं थी। इसी वजह से सन ब्लोम का सांता लोगों के दिमाग पर तेजी से चढ़ गया था, जो आज तक हमारे और आपके बीच में सांता क्लॉज बन के घूम रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी सांता क्लॉज के लाल कपड़े के इतिहास में, कि वो लाल कपड़ा क्यों पहनते हैं, उनके पीछे मान्यता क्या है, कविताएं क्या हैं और इसको जीसस क्राइस्ट से कैसे जोड़ा जाता है। उम्मीद है आपको आज का ज्ञान ध्यान पसंद आया होगा। कोई और सुझाव हो, शिकायत हो तो आप हमें आराम से लिखकर भेजें। पता वही है radio@aajtak.com और YouTube पे भी हमारा ये जो वीडियो है वो अपलोड होता है, तो आज तक रेडियो आप YouTube पे भी सर्च करके वहाँ भी हमारा ज्ञान ध्यान सुन सकते हैं। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च की है हमारे साथी विनायक ने,
साउंड मिक्सिंग कर रहे थे नितिन रावत, मैं सूरज कुमार हूं, अब इजाजत चाहूंगा आपसे, शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास, किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।